हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड बाजी। अभी 7 बजे हैं और आज के दिन जो है निकलना है हमें वापस बीकानेर के लिए, है ना। ये देखो इलू भी सो रही है। कल तो मैं ऐसी सोई घूम के आई जो जो कि मैंने दवाई ली थी आज सर और बहुत ज़्यादा बना था। मैंने सोचा मुझे कोरोना वरोना नहीं हो जाए तो फिर दवाई ली, खाना वाना खा के आए। खाना जल्दी खा लिया था क्योंकि 7 बजे तो सब बंद हो जाता। तो फिर मैं आई तो जो ऐसी सोई मैं, फिर 10 बजे उठी। 10 बजे मैंने चेंज किए, कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, जैकेट के अंदर ही सो गए, फिर पसीने पसीने हो गए। तो फिर चेंज किए, फिर मैं क्या कह रही थी कि जब मैं सोई सो के फिर 10 बजे वापस सो गई चेंज करके। तो अब फिर मैं 6 बजे उठी, नहा ली मैं भी, ये भी नहा लिए और ईलू को अभी जगाया है। अब ये लेने गए हैं चाय सुबह सुबह वाली, तो चाय लेके आएंगे फिर चाय पियेंगे सब लोग। मम्मी और भी सो गए पिछली रात, तो मम्मी और इसी रूम में सोए थे और कल रात वो उधर सो गए थे। मैं तो सो गई थी क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कौन कौन कहाँ कैसे सो गया। इलू उधर ही थी तो 10 बजे आई थी शायद इधर, है ना। 10 बजे आई थी तो बस अब चाय पियेंगे, फिर तैयार होंगे और फिर वापस के लिए निकलेंगे। पहले तो था कि एक दिन और रुक जाते हैं, फिर ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं हमें घूमने लायक, इसलिए तो आज शायद हम 12 बजे तक है चेकआउट टाइम, निकल जाएंगे नाश्ता वाश्ता करके या जो भी है। मार्केट बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ घंटा घर के पहले वाला। तो जोधपुर में से 2 जने थे, शायद रिंकू जी थी और कोई और भी था, कौन था, सुमन जी ने भी मुझे कोई है, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जोधपुर, राजस्थान का तो हर सिटी वैसे तो सेम सेम ही लगती है ना। तो अच्छा लगा मुझे जोधपुर भी, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ मैं जाती हूँ ना मैं वहीं का, ऐसा लगता है कि वहीं की होके रह गई, ऐसा लगता है मैं जाऊँ ही नहीं यहाँ पे, है ना, घर बना लूँ मन ही नहीं हो रहा जाने का। हालत देखो क्या हो रही है घूम घूम के। तो जब पिछली बार साउथ गए थे तो हमें लगा था मुझे और इलू को कि हम यहीं पे बस जाए, है ना, यहीं पे रह जाए। तो हमें अपना सा लगने लगता है एक ही दिन में, वो सिटी या वो स्टेट जो है ना अपना सा लगने लगता है। और सहारो हमने तो एक्सप्लोर कर लिया, गाड़ी में आए ना तो एक एक चप्पा चप्पा जोधपुर का मैं भी घूम लिया। वो चप्पा चप्पा नहीं भी तो पूरा हर जगह से इधर उधर करके सब कुछ। कल शास्त्री नगर भी गए थे और मम्मी के, क्योंकि वहाँ पे बचपन शायद जोधपुर में बीता है, तो मम्मी के जो जिस घर में किराए पे रहती थी उन लोगों से मम्मी मिल के भी आई है और करके मम्मी ने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है शायद वहाँ की। तो सिंधी कॉलोनी है ना वहाँ पे गए थे मम्मी और तंदर गए थे, इलू सो रही थी तो हम लोग उन लोगों से नहीं मिले। तो चलो यार चाय वाय आती है तो पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं तैयार होके। तो यहाँ पे भी हमारी जो सुबह है वो 5:30-6 बजे हो जाया करती थी और उठते ही वही मेरा रूटीन रहता है कि उठते ही मैं नहाती ही नहाती हूँ। तो बस यहाँ पे भी नहा लिया करती थी और ये भी नहा लिए थे और फिर बस चाय पास की ही जो कोई शॉप खुली होती थी तो वहाँ से चाय वाय जो है वो लेके आ जाया करते थे। ये सर्व कर रहे हैं दामाद जी ससुराल वालों को, ससुर जी और सास को चाय, और क्षितिज और जागृति जो है वो रेडी हो रहे थे क्योंकि निकलना था हम लोगों को, तो वो रेडी होके आएंगे फिर वो लोग चाय पियेंगे। ये थोड़े से चाय के साथ बिस्किट के पैकेट भी ले आया करते थे तो वो जो है हम ले लिया करते थे। फिर थोड़ा सा बाहर निकल के बाहर ही नाश्ता कर लिया करते थे, लेकिन इस बार ना आज क्षितिज यहाँ से ले आया था जनता स्वीट से मिर्ची बड़े। उसको किसी ने बोला था कि अगर जोधपुर गए हो तो जनता स्वीट से मिर्ची बड़े और जो मावा की कचौड़ी होती है ना जोधपुर की, वो फेमस होती है, वो ज़रूर से लेना। तो यहाँ पे इलू भी उठ चुकी थी तो बस वो भी थोड़ा सा चाय से बिस्किट दे दिए थे क्योंकि सर्दी बहुत थी इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, सामान वामान सब अपना गाड़ी में जो है वो पैक कर रहे थे। और ये जो होटल थी ना माहेश्वरी समाज की थी, बहुत अच्छी है यार, बहुत रीजनेबल प्राइस में। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को पूरा खर्चा बताऊंगी, बहुत कम रेट में को बहुत कम पैसों में हम लोग जो है घूम लिए थे जोधपुर अपनी गाड़ियों में, पेट्रोल भी जितना था। और किसी ने मुझसे पूछा था बीकानेर से जोधपुर कितना दूर है, तो 253 किलोमीटर के करीब जो है वो दूर है, तो बीच में नागौर भी पड़ता है और ऐसे करके। तो ये बस यहाँ पे जो है सामान जो है अपनी गाड़ियों में डाल देगा, क्षितिज और उन्हें पहले ही डाल देता और वो लेने गया था नाश्ता, जागृति क्षितिज और पापा नाश्ता लेने के लिए गए थे। और फिर बस नाश्ता वाश्ता करके चेकआउट का टाइम 12 बजे था तो हम लोग पहले ही रेडी हो गए थे 8:30 के करीब ही,
और 9 बजे 9:30 बजे निकल गए थे। और ये यहाँ पे कुछ फंक्शन भी होना था, तो काफ़ी अच्छे से ना ये होटल ना बहुत अच्छा सजा हुआ था, फ्लावर्स से इसकी डेकोरेशन की गई थी, बहुत अच्छी थी। अंदर तक जाके तो नहीं देखा, लेकिन बाहर से ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अचार की बर्नियों में भी फ्लावर्स लगाए गए थे, और कुछ ब्लू पॉटरी वाले कुछ थे चीज़ें, उन पर भी लगाए गए थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर ये लोग आ गए थे नाश्ता के जनता स्वीट से, मिर्ची वड़े जोधपुर के फेमस, और मावे की कचौड़ी। तो ये देखिए, ये है मिर्ची बड़े और मावे की कचौड़ी हम लोगों ने खा ली थी, और उसके बाद हम लोगों को निकलना था। बीच में हमने सोचा था रामदेवरा भी कर लेते हैं, क्योंकि जोधपुर से ना रामदेवरा बहुत ही करीब है, क्योंकि बीकानेर से जाएंगे तो थोड़ा बीच थोड़ा सा दूर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे बीच में रास्ता कट रहा था, 155 किलोमीटर ही था। फिर इन लोगों ने कहा रात को ही वापस आएंगे, तो रात की जर्नी मुझे सेफ़ नहीं लगी, क्योंकि हम बीकानेर भी आए थे तो मुझे उतना सेफ़ नहीं लगा रात की जर्नी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब रामनेवरा जाके आएंगे। तो यहाँ पे सब लोग बस हाथों में ही ले लेके नाश्ता कर रहे हैं, और फिर हम लोग निकलेंगे, वापसी करेंगे बीकानेर के लिए। उस बीच नागौर में, जोधपुर रोड नागौर में एक विश्व स्तरीय गौशाला पड़ती है, वो बहुत ही अच्छी। पूरी ट्रिप में जो हमसे हम लोगों को बेस्ट चीज़ लगी वो चीज़ लगी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या थी। तो ये देखिए, बस यहाँ पे किया नाश्ता और फिर निकल गए थे। तो अगर आप जोधपुर आते हैं तो जोधपुर जंक्शन के जस्ट सामने आपको शांति हेरिटेज होटल भी हमने देखा था, फिर हमने यहाँ पे लिया नहीं, क्योंकि पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी यहाँ पे। तो शांति हेरिटेज होटल और कई होटल हैं, और बहुत से शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही सीधे 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 चलते जाओगे ना, बिल्कुल सीधे पूरा मार्केट है, और पोकर स्वीट्स आपको सामने ही मिलेगी, और लेफ्ट साइड में जब आप टर्न करेंगे तो पूरा जोधपुर का मार्केट है, घंटा घर वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे रुक के शिप्रा औरों के लिए भी कुछ मम्मी का लेते हैं, तो क्षितिज और जागृति ने क्या किया, मोजड़ी ली थी, सबके लिए ली थी, मेरे लिए भी, इलू के लिए भी, जागृति ने भी ली थी, मम्मी के लिए भी ली थी, शिप्रा के लिए भी ली थी, और अपनी मम्मी और सिस्टर के लिए भी ली थी। तो सबके लिए मोजड़ी इन लोगों ने ली थी, मम्मी ने शिप्रा के लिए कुछ लिया, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगा, जैसे फिर हम लोग 11:30 के करीब जोधपुर से निकले थे। तो यहाँ पे मोजड़ियाँ ली, और फिर अथक और शिप्रा के लिए कुछ देखा, मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस एक मुझे कंगन पसंद आए वो ले दिए थे शिप्रा के लिए, बाकी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो जो चीज़ें अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। जहाँ भी जाती हूँ तो मैं ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं करती हूँ, हाँ लेकिन केरल से मैंने काफ़ी कुछ शॉपिंग की थी, साड़ी वगैरह भी लिया था, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल अलग ही थी। तो लेकिन राजस्थान में तो ये सब चीज़ें इधर उधर मिलती ही हैं, तो मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि जयपुर में और भी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में सब कुछ मिलता है, और सब कुछ अभी ले ही रखा था, तो ऐसा कुछ मैंने शॉपिंग की नहीं थी। और मोजड़ी जो है क्षितिज औरों ने ही दिला दी थी, तो मैंने कुछ नहीं किया। ये है मंडोर रेलवे स्टेशन, फिर बस हम लोग वापसी के लिए चले थे, और बीच में जो भी खाते पीते निकले थे, तो मुझे बेर दिख गए, तो क्षितिज ने जैसे दाल के बड़े ले लिए, ऐसे खाते पीते ही जा रहे थे, साथ साथ ही गाड़ियां चल रही थी, और खाते पीते ही हम लोग गए, जैसे कि आते वक्त भी जाते वक्त भी, तो पेट बिल्कुल भरा भरा था, खाने का कुछ मन नहीं था यहाँ पे। फिर बड़े जो है ना ये बहुत टेस्टी थे, ये देखो बड़े बन रहे थे बिल्कुल करारे करारे। ये किस साइड रुके थे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रिप रही, बहुत रीजनेबल प्राइस में जो है सब कुछ रहा। तो यहाँ पे बस बड़े लिए खाए, फिर जो है थोड़ा सा नींद इनको आने लगी थी, तो जो ये हर हर महादेव फैमिली ढाबा था यहाँ पे ये रुके, और चाय वाय हम लोगों ने ले ली थी, और भूख थी नहीं तो खाना तो नहीं खाया, लेकिन पराठे ऑर्डर कर दिए थे, आलू का, गोभी का, प्याज का, ऐसे करके। तो बस मुँह धोया और यहाँ से पराठे वराठे खाए, कुछ चिप्स लिए, ऐसे करके। ये ढाबा भी बहुत अच्छा था, झूला भी था, खाटे भी लगी हुई थी, माचे होते हैं ना पंजाबी, और जैसे खाओ अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे चाय पी, और फिर यहाँ से जस्ट जैसे ही निकलते हैं तो नागौर में, जोधपुर और नागौर में एक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है, जहाँ पे 800 पशु पक्षी या गाय माता आती हैं, गौ माता जो है वो इलाज के लिए आती हैं, हर तरह की गौ माता का इलाज वहाँ पे होता है। तो ये बस पराठे वराठे खाए फिर निकले, और वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जस्ट थोड़ी सी दूरी पे ही वो गौ चिकित्सालय है, कभी आप जोधपुर और इस रास्ते से जाएं तो इस गौ चिकित्सालय में ज़रूर से आप देखने जाएं, बहुत इतना अच्छा लगता है, देखकर सुकून मिलता है। अब ये देखिए, आप सोचेंगे किसके लिए इतना खाना बना रहा है, तो ये गौ माता के लिए सब कुछ हो रहा है, मूली, गाजर, पालक सब कुछ कटिंग होती है, फिर उनको दिया जाता है। ये देख रहे हैं कि कैंसर पीड़ित गौ वंश का इलाज होता है, तो जो गौ माता है कैंसर से पीड़ित है उनका होता है, जिनके एक सींग टूट गए उनका ऑपरेशन होता है, पूरा
चिकित्सालय है और जो भी वन्य पशु पक्षी उनका भी होता है, तीन पैर के गौवंश, जैसे कि एक्सीडेंट हाईवे पे किसी गौ माता का हो गया, बिछड़े का हो गया, तो उनके एक पैर अगर कट हो गया तो उनका इलाज होता है। लकवे से पीड़ित जो गौ माता है, गौवंश है, उनका इलाज होता है। और जो जिन पर कि अगर किसी ने तेजाब डाल दिया हो या तेजाब से जल चुके हों तो उनका इलाज होता है। हर तरीके का इलाज यहाँ पे होता है फ्री में। और ये देखिए खाना और पूरी समय सारणी इसमें बनी हुई होती है, इतने बजे पानी देना है, इतने बजे खाना देना है, इतने बजे चारा देना है, इतने बजे बाटा देना है। तो सिर्फ गौ माता ही नहीं, कई वन्य पशु पक्षी और सफ़ेद कबूतर, खरगोश, हिरण, सब कुछ जो है उनका भी यहाँ पे इलाज होता है। जो भी घायल लोग होते हैं ना, जो भी पशु पक्षी या पंछी जो भी हैं, तो उनका इलाज होता है। ये बहुत बड़े गिद्ध थे, इसका भी रख रखा था। और ये जो पिंजरे है ना, लोग दान में भी देते, तो दान से भी चल रही है ये गौ चिकित्सालय जो है, और बहुत सेवा भाव से करते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि पहले हम लोगों को लगा था जाएंगे तो ब्रेन वॉश किया जाएगा या दान के लिए भी फोर्स किया जा सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बढ़िया बात ये लगी और देखकर दिल खुश हो गया कि इतनी सेवा कर रहे हैं लोग, इतना सेवा भाव से, और बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया गया कि आप दान दीजिए या ये कीजिए या वो नहीं। भैया ने सारा घुमाया, सब कुछ बताया कि ऑपरेशन थिएटर भी है गौ माता का, सब कुछ है। ये देखिए विशाल का बांटा गोदाम, जो पशु पक्षी या गौ माता के लिए जो खाने की दालें होती है, बाजरा होता है, ज्वार हुआ, ये ऐसी भूसी हुई है, सब कुछ के लिए अलग अलग एक सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इतना अच्छे से सेवा करते तो एक हृदय परिवर्तन सा हो जाता है। ऐसा लगता है यार हमें भी जो है ऐसे पशु पक्षियों की या गौ माता की ऐसे सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। ये देखिए तीन पैर वाले गौवंश हैं, चिंकारा, आयरन, जितना भी आपको देख पढ़ने को मिल रहा ना उतना सबका यहाँ पे इलाज होता। बहुत बड़ी गौशाला मतलब गौ चिकित्सालय है ये। और ये देखिए अच्छी क्वालिटी का चारा है गौ माता के लिए, ढेर सारा है, और सारे कंबल वगैरह भी गौ माता के। ये कंट्रोल रूम है, पशु पक्षियों का रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पे कि किसने किसको कौन लेके आया था, उसका नंबर वगैरह भी सब कुछ है यहाँ पे। देखिए पशु रिकॉर्ड, पक्षी, और 6 राज्यों से बीमार गौवंश आते हैं यहाँ पे, और 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आते हैं, जितनी भी 800 गौशालाएं हैं वहाँ से आते हैं। ये देखिए हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हर जगह से यहाँ पे गौवंश जो है आते हैं। एक्सरे मशीन है, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे हो रखा है। तो देख के ना हम लोगों का दिल खुश हो गया यार कि ट्रिप का बेस्ट पार्ट ही हम लोगों को ये लगा, विश्व स्तरीय गौशाला। तो ये देखिए ऑपरेशन थिएटर भी था, सब कुछ है, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, सब कुछ है। तो ये भी हमने अंदर से भी जाके देखा था सारा। और देखिए गुफा का रास्ता भी, गुफा वगैरह भी थी, वो भी हमने देखी। प्लस जो अनाथ होते हैं ना, बछड़े अनाथ हो जाते हैं, जैसे कोई गौ माता है वो बछड़े को जन्म देते वक्त अचानक से नहीं बची, उनकी जान चली गई, तो जो बछड़ा है वो अनाथ हो जाता है, उसको समय समय पर दूध देना, उनके लिए झूला भी है, तो वो झूला भी झुलाते हैं समय समय पर अलग अलग बछड़े को, और सबके नाम भी रख रखे हैं प्यारे प्यारे, किसी का गोपाल है, किसी का कुछ है, ऐसे करके। ये संग्रहालय था, इसमें कई तरीके की पुस्तकें थी, तो इसको मैंने थोड़ा ही शूट किया। ये देखिए अनाथ बछड़ों के लिए, ये देखो एक एक दो दो दिन के भी बछड़े थे यहाँ पे, और यहाँ पे इनके लिए देखो झूला है, दूध की बोतल में इनको दूध पिलाया जाता है समय समय पर, झूला भी झुलाया जाता है, गोपाल किसी का नाम था, और हिरण को भी झूला झुलाया जा रहा था, उसका नाम भी जम्बेश्वर था। तो ये दो देखिए छोटे छोटे जो बछड़े ना, एक एक दो दो तीन तीन दिन वाले भी बछड़े थे जिनकी माताएं नहीं रही थी, तो ये अनाथ वाले बछड़े थे, इनका बहुत अच्छे से पालन पोषण जो है वो किया जाता है। ये देखिए गोविंद, इस बछड़े का नाम गोविंद था, एक हिरण भी था, छोटा सा बच्चा था, उसका नाम जम्बेश्वर था, ऐसे करके ये था जम्बेश्वर, देखिए हिरण का बच्चा, इसको भी झूला है, इसका झूला है पता है। तो इसमें टाइम टाइम पे हर बछड़े या हर छोटे बच्चे को झूला झुलाया जाता है, कभी किसी की बारी आती है, कभी किसी की बारी। तो ये देखिए पूरे बिस्तर भी है, उसमें कंबल वगैरह सब कुछ है, ये देखिए इतने सारे कंबल और की व्यवस्था कर रखी है ताकि सर्दियों में गौ माताओं को सर्दी ना लगे। तो और भी तरीके के पशु पक्षी या जीव भी थे यहाँ पे। ये देखिए ये है ऑस्ट्रिच था शायद, हाँ, तो ऐसे, और खरगोश भी थे कई तरीके के। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट था, और ये आपका जो है वो
हृदय में ये भावना उत्पन्न होती है इसे देखकर कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल भी दान के लिए फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि प्रसाद के रूप में चाय नाश्ता और करवाया जाता है। तो इंसान का वैसे ही मन हो जाता है यार हम भी ऐसी सेवा करेंगे, कुछ हमारी तरफ से तो दान होना ही चाहिए। तो सच में यार, तो ये देखिए ये बेचारे गौ माता थी जो कि नहीं रही थी, ऐसे ही खाना खाते खाते ये जो है इनकी डेथ हो गई थी। अब इनको लेके जाएंगे और ये देखिए हिरण वगैरह भी थे और ये देखो जंप भी कर रहा था ये वाला हिरण जो है। और एक गौ माता ऐसी है, जब इस गौ चिकित्सालय की शुरुआत हुई थी तब क्या था कि जो पहली गौ माता जो है ना वो इलाज के लिए जो आई थी ना उनको बिल्कुल इच्छा पूर्ति वाली गौ माता वो बता रहे थे कि इनकी जब हम पूजा वूजा करते हैं तो इच्छा पूर्ति होती है। तो हम लोगों ने उनकी पूजा वगैरह भी जो है वो की थी इन गौ माता की। ये देखिए पहली इस गौ चिकित्सालय की पहली गौ माता थी। फिर इनकी थोड़ी सी रोली अक्षत से पूजा की हम लोगों ने, पैर छुए और फेरी निकाली ऐसे करके। तो उन जो भैया थे जो दिखा रहे थे उन्होंने बताया कि इच्छा पूर्ति होती है, मनोकामना की जो है वो पूर्ति होती है इनकी पूजा करने से। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनकी पूजा की और फिर बस ये सब देख के वो भैया लेके गए कि आओ प्रसाद लिए बिना तो मैं जानो। तो इतनी टेस्टी रढ़ी हुई चाय थी वो पी और फिर बस हम लोग थोड़ा सा अपने मन से थोड़ा सा हमारी तरफ से जो भी श्रद्धा से जो भी बन पड़ा वो करके आ गए। ये देखिए समय सारणी जैसे बनी हुई है ना, तो ऐसे तो ये गौ माता की पूजा की थी हमने, फेरी निकाली थी हम सब ने और फिर बस यहाँ से आ गए थे। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छे तरीके से हो रहा है, ICU वार्ड और सब थे। तो इस तरीके से ना देख के दिल खुश हो जाता है यार कि ऐसा भी कोई करने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे काम करते होंगे उनको कितना सुकून मिलता होगा, कितना अच्छा लगता होगा ये देख के मेरा दिल खुश हो गया। तो इसलिए मैंने वीडियो इनसे पूरी बनवाई थी कि भाई ये वीडियो तो बनाई दो यार, एक मेमोरी रहेगी यार कि ऐसा भी कुछ हमने देखा, ऐसा भी कुछ होता है। तुलादान भी यहाँ पे होता है, आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो। आपके सामने ही अगर आप तुलादान करेंगे ना तो बाटा और लापसी बना के गौ माताओं को खिलाई जाती है। तो ये देखिए सब कर्मचारी जो हैं वो कट कर रहे हैं गौ माता के लिए। और बस फिर हम लोग घर आ गए थे। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर से बताइएगा और मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।